the lotus temple in Delhi, in India. Prasanna was determined to avoid construction joints in the shells. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. गुड इवनिंग एवरीवन। तो अब हम आ चुके हैं दिल्ली की बहुत ही खूबसूरत जगह लोटस टेंपल। ये हमारा दूसरा व्लॉग है और आज हम आपको बताएंगे दिल्ली के लोटस टेंपल के बारे में कि ये कहां पर है, ये किसने बनवाया और क्यों बनवाया था। तो आइए देखते हैं और जानते हैं लोटस टेंपल के बारे में। दोस्तों अब हम आ चुके हैं दिल्ली की बहुत ही खूबसूरत जगह लोटस टेंपल। तो आइए एंट्री लेते हैं। दोस्तों यहाँ सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ कोई टिकट नहीं है, आप फ्री में आकर घूम सकते हैं। अब हम एंट्री ले चुके हैं तो आइए देखते हैं लोटस टेंपल दूर से कैसा नज़र आता है और फिर हम आपको करीब जाकर भी दिखाएंगे। आइए देखते हैं। और ये है लोटस टेंपल का म्यूजियम जिसे हम वीडियो के लास्ट में दिखाएंगे और इसके बारे में बताएंगे। दोस्तों ये रहा हमारा लोटस टेंपल। अगर हम बात करें इसकी हिस्ट्री की तो ये टेंपल 1986 में एस्टेब्लिश हुआ। वैसे तो ये एक टूरिस्ट प्लेस है बट रियल में बहाई मज़हब के मानने वालों का ये एक टेंपल यानी मंदिर है और बहाई मज़हब के बनाने वाले बहाउल्लाह खान हैं। लोटस टेंपल को बनाने वाला एक पर्शियन आर्किटेक्चर था जिसका नाम था फ्रेबर्स साहबा। और दोस्तों मज़े की बात यह है जहाँ ये कुत्ते मियाँ इंजॉय कर रहे हैं वहाँ हम लोगों का जाना अलाउ नहीं है, हम लोग सिर्फ बीच के रास्ते से ही गुजर सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे लोटस टेंपल की हिस्ट्री के बारे में। अगर हम बात करें लोटस टेंपल की हाइट की तो इसकी हाइट 112 फीट है और इसको तैयार करने में जो लागत आई थी वो है 10 मिलियन अमेरिकन डॉलर्स। और अगर हम बात करें लोटस टेंपल की कैपेसिटी की तो दोस्तों इसमें एक टाइम में 200 लोग पूजा कर सकते हैं। लेकिन ये भी याद रहे यहाँ किसी मूर्ति या स्टैचू की पूजा नहीं होती है बल्कि बस खामोश रहकर ध्यान किया जाता है। और लास्ट इन्फॉर्मेशन वो ये है कि बहाई मज़हब के ऑल ओवर वर्ल्ड 7 टेम्पल्स हैं। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. दोस्तों लोटस टेंपल के अंदर अब एंट्री अलाउ नहीं है तो हम बाहर से ही उसको देख सकते हैं। आप देख सकते हैं अंदर चेयर्स लगी हुई हैं, वहाँ बैठकर लोग ध्यान करते थे, एक तरह से पूजा करते थे और अंदर बहुत ही पीसफुल इन्वायरमेंट हुआ करता था। बट अफसोस अब हम उसको एंजॉय नहीं कर सकते। दोस्तों ये है लोटस टेंपल का इंफॉर्मेशन सेंटर जहां आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो आइए देखते हैं। On and on we'll go.
और दोस्तों ये है वो टूल्स जिनका यूज लोटस टेम्पल को बनाने के लिए किया गया था। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लोटस टेम्पल का व्लॉग, उम्मीद है आप सभी को पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, बिकॉज़ हम बहुत जल्द आने वाले हैं एक नए व्लॉग के साथ।